तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का लेटे लेटे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:23। सुबह के मिखाइल चला गया है 7 बजे, वो अपना कॉलेज। मेरे को भी जाना है, मगर मेरे को जाना है 12 बजे से क्लास है, सर 11 बजे निकलूँगा। तो मेरे पास अभी 4 घंटा का समय है, चार घंटे 3.5 घंटे समय है मेरे पास। 3.5 घंटे के समय में मेरे को बहुत सारा काम करना है। मेरे को अभी चाय बनाना है, मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है जो आज का है, सो वो पढ़ना है, और सारे कपड़े वपड़े तैयार है। और बेसिकली जो भी पहला दिन है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट इतना है कि रात को 3 बजे सोया, 6:30 बजे नींद खुल गई और अभी तक नींद नहीं आई। सो सोच रहा हूँ कि उठ ही जाता हूँ और जितने भी काम है वो सब कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा आगे रहूँगा, तो कंटिन्यू करो और आज दिखाता हूँ पहले दिन कैसे रहता है। बाकी देखते रहना, एक्साइटमेंट हमेशा रहता है, रोज़ का व्लॉग में रहता है, और आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हूँ। सो आपको मतलब आप खुशी देख रहे होगे, मैं व्लॉग शुरू करता हूँ हमेशा फ्रेश होने के बाद, उठने के बाद, मगर आज बिल्कुल बेड से शुरू हो रहा है और इतना अच्छा व्लॉग बनेगा आज का। मगर आप लोग क्या करते हो, लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, कमेंट कभी कभार करते हो, कभी कभार यार कमेंट और लाइक किया करो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करते रहा करो। रुको, मैं थोड़ी देर में फिर मिलता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और सूरज बहुत तेज़ निकल चुकी है, जो कि अगले वाले बिल्डिंग में दिख रहा होगा आपको। देखो कितना तेज़ सूरज की धूप किरणें आ चुकी है। आज सुबह सुबह ठंड भी है, सुबह बिल्कुल सुबह मतलब 6:30 बजे जब मैं उठा था तब 3 डिग्री दिखा रहा था। अभी तो देख सकते हो थोड़ा, 3 डिग्री तो नहीं है, अभी शायद हो चुका है 8-9 डिग्री तक हो चुका है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी टाइम हो रहा है 8:10, किचन गया था कि चाय वाय पी लेता हूँ, उसके बाद दिन का शुरू करता हूँ। मगर किचन में आई साफ करने वाली, क्योंकि यहाँ पे रोज़ सुबह मतलब मंडे टू फ्राइडे तक सफाई वाली आती है, वो साफ करके जाती है। तो उन्होंने मेरे को देखा और बोलते ये सब गंदा किसने किया। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो बोला क्यों नहीं पता तुमको, तुम लोग यही रहते हो, ये वो सुबह सुबह मेरे को सुना दिया। फिर मुस्करा दी कि कोई नहीं, वो भी हंस दी, मैं भी हंस दिया। उसको भी पता है कि मैंने, मेरे को नहीं पता है, तो उसने ऐसे ही बोल दिया मेरे को। तो सुबह से थोड़ा सा तो डांट ही दिया सुबह सुबह। आज पहला क्लास है और 12 बजे से क्लास है, और अभी टाइम हो रहा है 11:40। 20 मिनट में क्लास ढूंढना है और अभी हॉस्टल से निकल रहे हैं। सोचो हम लोग कितना लापरवाही हो चुके हैं, और सुबह से लेकर जितना काम किया उतना तो बनता है, एटलीस्ट पहुँच जाएंगे। 20 मिनट बहुत होता है, सामने ही क्लास है, पहुँच जाएंगे। बस पहला ही दिन है, लेट ना हो जाए और अंदर जाने दिया जाए, बस यही है हम लोग का कम होना, देखते हैं। अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे और अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट। 15 मिनट में पता नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे, अब देखते हैं। अगर क्लास पहुँच गया तो वीडियो बनाऊँगा, या फिर क्लास मिस हो जाती तो उसका भी वीडियो बना दूँगा। फाइनली टाइम से पहुँच गया और अभी क्लास कितना लगेगा। हमारी क्लास कौन से गली में लगेगी ये आई डोंट नो। जगह तो बहुत सुहाना है, यही आएंगे। क्लास टाइम पे पहुंच गए हूँ और टीचर आधा घंटे लेट है, टीचर अभी तक आई नहीं है, 12:30 हो चुका है, टीचर आई नहीं है, मगर क्लास टाइम पे पहुंच गया था। भाग भाग के गए थे कॉलेज और आ गए यूनिवर्सिटी से। इट वॉज सुपर एक्सपीरियंस पहला दिन कॉलेज का, और वो भी एक क्लास, मज़ा आ गया। सुबह सुबह मतलब 12 बजे क्लास और 11:30 से बाद 11:40 पे हम लोग निकले थे रूम से और भाग भाग के गए, वो भी 10 मिनट में पहुँच गए ना, विद इन 10 मिनट में हम लोग कॉलेज पहुँच गए, और पैदल, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल एकदम हॉस्टल के पास ही है, ओब्लास्ना लिकार्निया। लिकार्निया मतलब होता है कि हॉस्पिटल, तो हम लोग हॉस्पिटल बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और हमारा आज क्लास था हाइजीन का, टीचर ने 4 बच्चे से पूछा, 5वां पे मेरे को हाथ खड़ा करने के लिए बोला, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। यही है कॉलेज। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करने दिए, सबका हाइट, स्टैंडिंग हाइट और सिटिंग हाइट यही मेजर करना था, हो गया। अभी जाता हूँ रूम, जाके देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है। मिखाइल तो शायद आ गया है रूम में, उसका 2 क्लास था शुरू के, वो आ गया है। आज अभी जा रहा हूँ मैं, अभिलाष और मिखाइल तीनों जा रहे हैं आज बाहर का घूम के आते हैं। और बाय द वे जैकेट कैसे लग रही है,
ये लेदर जैकेट है, बिल्कुल नया जैकेट इंडिया से लेके आया था, और अभी लास्ट भी रेडी हो गया, मगर मिखाइल जो है भाई साहब 3 घंटा लग गया उसको ठीक होने में। ये मशरूम बेच रही है, सामने मशरूम है, और ना यहाँ का ये है जो लोकल मार्केट में ये सब मिलता है, ये यहाँ पे सब लोकल मार्केट, यहाँ पे सब बहुत दूर दूर से बेचने आते हैं यहाँ पे, सो लोग खरीदते भी हैं लोकल मार्केट से, जैसे हमारे उधर बाज़ार लगता है वैसे ही बाज़ार सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे लोग कितना ही जाएंगे कॉम्प्लेक्स वगैरह में, यहाँ पे थोड़ा सा 2 ग्रेवन 3 ग्रेवन सस्ता मिलता है, वैसे भी सस्ता नहीं है, बस 2-3 ग्रेवन की फ़र्क पड़ता है, लोग इसी को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे देखो ये डॉग जो है, इसका अगर कान दिख रहा है, अगर देखोगे इस पर ना वो होगा टैग लगा होगा, क्योंकि ये सारे वैक्सीनेटेड होते हैं। ये आलू मिल रहा है पैकेट में थैली में, और अभी अभी न्यूज़ आई इंडिया जीत गया सेलिब्रेशन। सो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देखो ये जो रोड है ये यूक्रेन का रोड है, कितना क्लीन रोड है, और क्या क्या गाड़ी चलती है सब इसी ब्लॉग में देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा है कल्चर, या गाड़ी कैसा है, यहाँ का लोग कैसे हैं। और मैं जो शूट कर रहा हूँ ये बस के अंदर से शूट कर रहा हूँ, सो आपको बस का बाहर का दिखा रहा हूँ कि कैसे ये सब गाड़ी है, और ये थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल मोशन में दिखा रहा हूँ, मगर ये जो गाड़ी बहुत तेज़ चलती बस, तो ऐसे इसलिए लग रहा होगा कि ये बहुत फास्ट है। सो आपको ये नॉर्मल ही चल रहा था मैं, बस ये वीडियो के ज़रिए ऐसे लग रहा है ये बहुत फास्ट है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बोगजाल, बोगजाल मीन्स होता है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के सामने जो ये देखो पत्थर वाला रास्ता है, कि इसमें सारे गाड़ियों के स्पीड स्लो हो जाए, यहाँ से जो लोग जाते हैं आते हैं उनके टाइम पर कोई दिक्कत ना आए, तो ऐसे वाले पत्थर वाला रोड है, वैसे तो नॉर्मल बहुत अच्छा रोड है, मगर बोगजाल के सामने स्पेशली ऐसे रोड बनाया गया है जिससे सबके स्लो हो जाए। एल्सुआ की और मिखाइल और अभिलाष भी आया है अभी अभी, क्यों आज कोई ऑफर नहीं है, आज कोई ऑफर नहीं है, सारे ऑफर हट गया। सो एल्सुआ की का सारे शॉपिंग हो चुका है, मैं मिखाइल और अभिलाष तीनों हैं, और तीनों अभी सोचे कि अगर बस से जाएंगे तो बस हमको बहुत ज़्यादा घुमा के ले जाएगी, हाँ ले जाएगी ठीक जगह पे, मगर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ से 25 मिनट ले है जो एलसीवाकी से हमारे घर का डिस्टेंस, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब घर चलते हैं। मिखाइल भी बहुत एकदम मस्त चल रहा है, साथ में अभिलाष भी है, और अभिलाष को मिखाइल बेसिकली पता नहीं निक नेम भालू बोलता है, तो देखो दोनों की जोड़ी बहुत मस्त है एक दूसरे के साथ देते हुए। तो हम लोग अभी घर जा रहे थे और थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, इसलिए मैंने म्यूट करके इसको बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि मिखाइल और अभिलाष सारे दोस्तों में जैसे बात होती है, सो ये बातें आपको सुना नहीं सकता हूँ, वैसे सारे हेल्दी टॉक्स ही होते हैं, ऐसे कोई गाली गलौज नहीं होती है, मगर जो भी हो दोस्तों की बात नहीं सुनाना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कि हम लोग एक कॉर्नर से चले, हर जगह पर साइड से चलने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, हम लोग वहीं से चलते हैं, और देखो सामने जो दिख रहा होगा अभी थोड़ी देर में आ जाएगा रेलवे फाटक, फाटक पे हम लोग दिखाएंगे कि मैं दिखा दूंगा कि फाटक कैसा है नहीं है, रेलवे फाटक बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ का ट्रेन कैसे चलता है, ट्रेन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गई है, सो ट्रेन तो नहीं दिखा पाए, मगर रेलवे फाटक सामने है वो आपको दिखा देता हूँ, और इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दो, भीख मांगता हूँ फिर भी नहीं करते, और कमेंट में कुछ कमेंट में बताओ कि आपको कैसे लगता है नहीं लगता है, बाकी तो मैं आपके लिए वैसे ही कॉन्टेंट देते रहता हूँ। देखो ये है रेलवे फाटक जो मेरे सामने है, ये देखो ये इस साइड एक है
और वो उस साइड और एक है लाइट के उस तरफ। देखा आपको, यहाँ दो है और बीच में से थोड़ा सा गैप रहता है, वो अब जो पैदल जाते हैं उनके लिए भी, या फिर ऐसे ही लोग यहाँ के जानने वाले हैं। सो देखो, ये सामने है लाइन और ये राइट साइड, ये जाती है लवीव की तरफ, और ये लेफ्ट साइड ये हो जाती है इवानो फ्रांकिस, जो मेन रेलवे स्टेशन है, बोगजल है वहीं पे, जो बोगजल में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। और ये देखो, ये है यहाँ का ऑफिस, या फिर बोलते हो जो गार्ड बैठती है इसमें, एक फीमेल बैठती है इसके अंदर। सो उसी का काम होता है कि कब गेट डाउन करना है, गेट अप करना है, सो उसी का काम है। बाकी हम लोग अभी पैदल चल रहे, पैदल चलते चलते हम अभी दिखा देता हूँ, ये अभी टाइम हो रहा था 9 बजने में, ऑलमोस्ट 5 मिनट बाकी है, मतलब 9 बजने में ही 5 मिनट बाकी है, मतलब वो 4 मिनट भी हो सकता है, इतना मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा था। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, आधा रास्ता, आधा रास्ता क्या, 1/3 बचा हुआ है, 1/3 बस पहुँचने वाले हैं। सो पहुँच के आपसे मिलता हूँ, और सामने जो जो चीज़ होता है वो अभी आपको उससे शेयर करता हूँ। सो फाइनली आज अभी आ चुका हूँ घर पे। सो बाहर का भी हो गया, एलसीयू आके गया था, मिखाइल ने एक शर्ट भी ले लिया, अब पता नहीं मेरे को, मैंने नहीं लिया। अब कल मेरे जो सर्जरी का क्लास है उसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मतलब कहाँ से पढ़ना है। एक होता है हमारा जनरल सर्जरी, एक होता है नॉर्मल सर्जरी। सो वो पीडीएफ तो ढूंढ रहा हूँ, या मिल जाएगा तो रात को पढ़ के ही सो जाऊँगा। और अभी अभी आया हूँ, जैसे कि एलसीयू आके मैंने अभी बताया, एलसीयू आके एक जगह है जैसे कि बिग बाज़ार है इंडिया में, वैसे ही है यहाँ पे भी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बस कपड़े मिलता है उसमें। तो मिखाइल तो बहुत कपड़े लेता है, मगर सही है। और जो ये पीछे देख रहे हो ये सारे मिखाइल का सामान है, इस पर नज़र मत डालो, ठीक है। और मिखाइल भी आ गया है। सो आज बहुत दिन बाद रोटी खाएंगे, तो ड्यूटी मेरा लगा है कि आटा गूंदने का। सो मैं आटा गूंद रहा हूँ, और अभिलाष मेरे कैमरा मैन ऑपोजिट का साइड है, सो ये कैमरा पकड़ रखा है और मैं आटा गूंद रहा था। सो आटा आज तो रोटी बन के ही रहेगा, सो रोटी बनने के बाद आपको दिखाता हूँ। रोटी हमारी रेडी है, और साथ में चिकन मिखाइल ने बना दिया था, मेरा काम था आटा गूंदना, आटा गूंद दिया मिखाइल ने, बस सब्जी बना दिया, और अभिलाष ने रोटी बना दी। आज बहुत दिन बाद रोटी खा रहा हूँ, एकदम अलग घर का वाइब्स लग रहा है, कि एकदम ऐसे लग रहा है कि घर में ही आ गए, घर का ही रोटी खा रहे हैं, और बहुत इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। और चिकन का लेग पीस भी आ गया आज, चिकन वैसे लेग पीस मिलता नहीं है, हम लोग जब सुबह गए थे ना नासा, वहीं से लेके आए थे, सो आपको दिखाया था वो नासा वाला सिस्टम, और अब हम लोग खा लेते, फिर मिलता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो हॉस्टल लाइफ में खाना पीना बर्तन धोना सब खुद से करना पड़ता है, और पढ़ाई भी करना पड़ता है। और MBBS पढ़ने आए बेटा, ऐसे नहीं आ गए हलवा बना के, खुद का काम खुद से करना सीखो, और मम्मी पापा को तंग करना छोड़ दो, एक टाइम पे आके मैच्योर हो जाते हो। सो गाइज, खाना पीना सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। सो अगर सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से फिर से लेक्चर शुरू हो जाएगी, और अभी सो जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर और इस ब्लॉग को आपने यहाँ तक देख ही लिया है, सो क्यों ना एक कमेंट करके उसको लव जताया जाए, जितने लव दिखाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एक कमेंट छोड़ के जाओ, एक लाइक करके जाओ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल वाला जो बटन है ना उसको दबा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, जय हिंद।